नाम का बातूनी कछुआ जंगल के अंदर एक झील में रहता था। वह दिन भर किसी से भी बात करता रहता था, छोटी चींटियों से लेकर विशाल हाथियों तक। लेकिन टॉम को अपने सबसे अच्छे दोस्तों वो और मो नामक हंसों के एक जोड़े के साथ बात करना सबसे ज्यादा पसंद था। तीनों दोस्त एक ही झील में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि झील का पानी सूख रहा है। पूरे साल बारिश नहीं हुई थी। जंगल में बहुत से जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जा रहे थे। बो और मो ने भी जाने का फैसला किया। भारी मन से वे टॉम को अलविदा कहने आए। लेकिन आप अलविदा क्यों कह रहे हैं? टॉम से पूछा, पानी के बिना जल्द ही झील में कोई मछली नहीं होगी। मैं भी जाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे, बो ने उदास होकर कहा। लेकिन तुम उड़ नहीं सकते, आप हमारे साथ कैसे आओगे? ओह, यह कोई समस्या नहीं है, हमें बस लकड़ी का एक मजबूत लट्ठा ढूंढना है। तुम लट्ठे को अपनी चोंचों से पकड़कर उड़ जाओ, मैं लकड़ी को मुंह से पकड़ लूंगा। इस तरह हम सब एक साथ निकल सकते हैं, टॉम ने कहा। मो चिंतित दिखे, यह एक अच्छी योजना है, लेकिन टॉम तुम्हें बात करना अच्छा लगता है। जब हम हवा में होते हैं तो आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। टॉम हंसे, जब यह महत्वपूर्ण हो तो मैं चुप रह सकता हूँ। आओ दोस्तों चलें, यह एक साहसिक कार्य होगा। अगली सुबह तीनों दोस्त चले गए। टॉम उत्साहित था, उन्होंने अपना सारा जीवन जमीन पर बिताया था। अब वह ऊंचाई से पहाड़ देख सकता था, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे हाथी भी आकाश से छोटे दिखाई देते थे। वह अपने दोस्तों से इस सब पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन मो की बातें याद कर उसने अपना मुंह बंद रखा। जल्द ही तीनों एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव वालों ने पहले भी हंस को उड़ते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी हंसों को अपनी चोंचों के बीच लकड़ी का लट्ठा दबाकर उड़ते नहीं देखा था। वह क्या है? गांव वाले चिल्लाए। क्या वह गेंद है जिसे वे ले जा रहे हैं? एक ग्रामीण से पूछा। नहीं नहीं, ये कपड़ों का एक बंडल है, दूसरा चिल्लाया। अरे कल हंस कपड़ों का क्या करेगा? दूसरा हंसा। टॉम भ्रमित था, ये ग्रामीण क्या बक रहे हैं? वह पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर एक चट्टान से टकराया और बेहोश हो गया। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितने जरूरत हो उतना ही बोलो, बिना वजह जरूरत से ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है।